तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को तो मालूम है कि सीटेट की आज परीक्षा हो गया है, तो इस वीडियो में हम आपको टेस्ट बुकलेट कोड पी का चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की ऑप्शन को या पेडागोजी की क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी का जितने सारे कोड हो, चाहे PQRST ऐसा जितने सारे कोड हो, आप उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मिला सकते हैं या मिलाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज या नंबर चेंज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सभी कोड के लिए सेम है। तो यहाँ पे पैटर्न शायद चेंज हो सकता है या नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आप सभी की क्वेश्चन सेम ही है। तो आपने अपने क्वेश्चन के साथ मिलाकर अपने ऑप्शन को देख सकते हैं और यहाँ पे अपने ऑप्शन को भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे बात को अगर आगे ना ले जाता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनके सही आंसर को हम देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होना चाहिए, इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो उसका सही ऑप्शन है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन का अगर आपने ऑप्शन देखा है तो यहाँ पे देख लिया होगा, जो पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। तो यहाँ पे उसका जो सही आंसर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है ग्रास मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा तीसरा नंबर पे कोड पी वाले सेक्शन का तीसरा नंबर ही सही आंसर होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसका जो सही आंसर है यहाँ पे दिया गया है तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस ही आप सभी का राइट आंसर है। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्वेश्चन जो चौथा नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ए चाइल्ड आस्क्स दैट हेंस should not steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? तो इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शन देखा जाए तो इस क्वेश्चन की सही आंसर या सही ऑप्शन द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो उसका सही आंसर आप अपने क्वेश्चन के साथ मिला सकते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, लेफ बाइकर्स की रेफर्स टू द बारबेल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रेन हैव विद देमसेल्फ एज। तो यहाँ पे पांचवें नंबर के क्वेश्चन की अगर सही आंसर देखा जाए तो प्राइवेट स्पीच वाले जो ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात करें तो छः नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एसोसिएटिंग टॉयज आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग हाउस होल्ड आइटम्स ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। तो उसके छठा नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर अगर देखा जाए तो जेंडर स्टेरियो टाइपिंग। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन देखा जाए, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। तो उसका जो सही आंसर है सात नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं चार नंबर। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो टीचर शूट, तो एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसका ऑप्शन अगर दिया जाए देखा जाए तो सही ऑप्शन यहाँ पे देखे तो देख सकते हैं कम्युनिकेट दैट शी रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। तो इसका आठ नंबर पे जो कोड पी वाले जो ऑप्शन है उसका सही आंसर आपने देख लिया होगा, चार नंबर जो ऑप्शन है वह ही सही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नाइन नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो यहाँ पे उसका जो सही ऑप्शन है अगर देखें तो नौ नंबर पे जो सही ऑप्शन दिया गया है इंक्लूसिव एडुकेशन। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात की जाए, डैश इज अ फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एडुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो उसका सही ऑप्शन या सही आंसर अगर देखें तो उसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है दस नंबर का जो सही ऑप्शन है इंक्लूशन। उसके बाद फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन कलाम विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कलाम में। तो यहाँ कलम बी और कलम ए के साथ मैचिंग करने में कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके 11 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है लर्निंग डिजेबल्ड। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लर्निंग डिजेबल कैन थिंक
ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो उसका सही ऑप्शन यहाँ पे दी। उसके बाद अगर 11 नंबर पे क्वेश्चन देखा जाए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन कलम ए विद देयर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स इन कलम बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों का स्तंभ हॉक में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान के प्रस्तुत मिलान को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी ए बी सी वाली ऑप्शन ही सही है। आप यहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो यहाँ पे उसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर का जो सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर पे दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। तो यहाँ पे अपने अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिलाकर देख सकते हैं। चिल्ड्रेन तो 13 नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है चिल्ड्रेन शोड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, तो यहाँ पे उसका अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पे 13 नंबर का जो सही ऑप्शन है बी डिस्कर्ज टू आस्क, तो यहाँ पे पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए चिल्ड्रेन को। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रो व्हिच द व्हिच मीनिंगफुल लर्नर्स होकर, तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन पे ट्रिक लगा देख सकते हैं। ये हमने एक स्टूडेंट से यहाँ पे लिया था तो उनका सही आंसर नहीं हुआ है, तो ऐसा होने की वजह से आप किसी किसी क्वेश्चन में भी ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है वो जब द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रो व्हिच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स, तो यहाँ पे जो 14 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है लर्निंग, जो यहाँ पे 14 नंबर पर का जो ऑप्शन है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल वाली जो ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। उसके बाद 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है व्हेन टीचर हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी द स्टूडेंट, तो यहाँ पे 15 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सही आंसर आकर देखें तो यहाँ पे एक आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है चिल्ड्रेंस एरर, तो बच्चों की गलतियाँ कैसे है या बच्चों की गलतियों के बारे में जो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर का जो ऑप्शन है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रेन आर। तो उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो 17 नंबर पे जो असेसमेंट मूल्यांकन को यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन 17 नंबर पे जो ऑप्शन है दो वाली ऑप्शन ही शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद 18 नंबर पे जो इन ए कंस्ट्रक्टिविटी फ्रेम लर्निंग इज संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, तो उसका अगर 18 नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है जो 4 नंबर वाली जो ऑप्शन है ए चेंज इन बिहेवियर पे जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, तो स्टूडेंट हाउ डू नॉट परफॉर्म वेल फील दे आर नॉट गुड एनफ एंड फील डिमोटिवेटेड दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजिली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। तो यहाँ पे जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक नंबर वाला ऑप्शन ही सही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 20 नंबर पे ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, तो यहाँ पे जो 20 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 नंबर वाली ऑप्शन यानी 4 इनकरेजिंग। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूज ऑफ मेथड हायर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफोर्ट आर इन्वॉल्व इज एन एग्जांपल ऑफ, तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन देखे तो 3 लर्नर सेंटर्ड मेथड, तो इसका ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है 3 नंबर वाला। उसके बाद 22 नंबर पर जो क्वेश्चन बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, तो यहाँ पे उसका जो सही ऑप्शन है 22 नंबर वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे 4 नंबर ही ऑप्शन ही इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद 23 नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, तो यहाँ पे उसका सही आंसर है फैमिली। उसके बाद यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात की जाए तो द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट्स थियोरी इज दैट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 24 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे 4 नंबर वाले ऑप्शन ही सही ऑप्शन है चिल्ड्रेन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। उसके बाद जेंडर इज एन
बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो 24 नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और इसके जो 24 नंबर वाले जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन अगर देगा तो फिजिकल फिजिकल कॉग्निटिविटी। तो उसके बाद 27 नंबर या 27 नंबर वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड दे आर लर्निंग इज करेक्ट। तो 27 नंबर वाले ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर, ऑल चिल्ड्रेन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। उसके बाद अगर बात करें तो इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर सीन एज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 28 नंबर वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे अगर देखें तो 3 नंबर वाली ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, एक्टिव एक्सप्लोरर। उसके बाद 29 नंबर पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लैब बायकोट्स की लर्निंग इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 29 नंबर पे जो ऑप्शन है एज सोशल एक्टिविटी इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे 30 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसका अगर बात की जाए तो 3 नंबर वाले डिफॉल्ट लिमिटेशन इमिटेशन ही सही आंसर है। तो यहाँ पे हमने CDP के क्वेश्चन को लेकर बात की है, तो आगे आप सभी की क्वेश्चन आप सभी